और इशू आज लिस्ट होगा और ये रीलिस्टिंग है एक्चुअली केमप्लास्ट सानमार के। बिल्कुल सर, केमप्लास्ट सानमार 541 का इशू प्राइस ठंडा रिस्पांस मिला था, 2.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ, कुल मिलाकर 3,850 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, जिसमें से एक तिहाई यानी कि 1300 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यूएंस था, जो दरअसल इस कंपनी की बुक्स पे जो डेट है उसे पेयर ऑफ करने के लिए एनसीडीज के अर्ली रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल होगा। दो तिहाई जो हिस्सा है करीब 2,500 करोड़ रुपए का वो ओएफएसएफ प्रमोटर्स के द्वारा, जिनका करंट होल्डिंग है 100% की, स्टेक रिड्यूस होकर हो जाएगा 55%, एक स्पेशलिटी और कमोडिटी केमिकल्स की कंपनी, और जैसे चेल्सर कह रहे थे 2012 में ये कंपनी डीलिस्ट हुई थी, तब उस कंपनी का मार्केट कैप था 1190 करोड़ रुपए, और आज जब वापस लिस्टिंग की तैयारी कर रही है तो इशू प्राइस पर 8,500 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। पर इस दौरान फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट आया है, इस कंपनी ने एक्विजिशन करा है, तो तस्वीर बदली है। लेकिन हाँ, एक रीलिस्टिंग 2012 के बाद वापस आज केमप्लास्ट सानमार डेब्यू करेगी। चलिए, टाइमिंग तो बिल्कुल सही था, लेकिन बाजार किस तरीके से इस आईपीओ को देखेगा, ऐसा करते हैं जानते हैं आस्था जी से, और फिर जोड़ेंगे अपने मित्र गौरांग शाह साहब को, जो चर्चा आपको करते हुए दिखेंगे एप्टस पर। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, केमप्लास्ट सानमार की बात करें तो ऐसा लगता है इशू यहाँ पे थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव, हल्का फुल्का यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग भी दिखा सकता है, तो मेरी राय रहेगी अगर यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम मिलता है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें और पार्शियली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि कंपनी लीडरशिप पोजिशन एंजॉय करती है अपने कुछ प्रोडक्ट्स में, साथ में इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स हैं, और जो वैल्यूएशन है वो भी इन्होंने ठीक ठाक की थी, तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो कुछ मुनाफा वसूल करके कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है केमप्लास्ट सानमार को। चलिए।